श्रीमद बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और हम पीएमआई को जोरों शोरों पर लेकर जा रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है। इसी टफ कॉम्पिटिशन के कुछ टीम्स अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिश टीम्स है वो एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं। हमने टीएसएम एंटिटी जैसी टीम से बात करी है, सिनर्जी से बात करें, लेकिन और इंस्ट्रॉक जो एक नाम आता है, जो एक संतरी चट्टान हम बोलते हैं, जिसके अंदर कभी कभी प्लेयर्स को ग्रेनेड्स यूज करने पड़ते हैं पूरी पूरी टीम स्वाइप करने के लिए, उन टीम के प्लेयर्स से हम लोग बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या इनके माइंड में चलता है। सो प्लेयर्स, बिफोर वी जस्ट बिगिन विद एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। माय नेम इज हरमनदीप सिंह, आई प्ले फॉर टीम ऑरेंज ऑफ, एंड माय इन गेम नेम इज ओआर मावी, एंड आई एम असॉल्टर ऑफ माय टीम। My name is Daljit Singh and I play for Orange Rock and I am idol of my team. Hi, my name is Tanmay Singh. I am scout. I am the sniper of team OR. My name is Ashwin Singh. My in-game name is OR Gill and my role is sport. कॉल्स वगैरह कैसी रहती है जब आपका पूरा मैच चल रहा था? बिकॉज हमने देखा जो क्वार्टर फाइनल चल रहे थे उसमें सैनॉक का मैप, वहां पर जोन को आपने अच्छे तरीके से होल्ड किया, उसके बाद जो फाइनल मैप तक आप जा रहे थे, धीरे धीरे किल्स बेहतरीन तरीके से निकल रहे, तो कॉल्स क्या जा रहे थे टीम में? मेरा काम था कि मैं इनको एंड जोन तक लेके जाऊँ, और इनको मैं इतना बोला था कि तुमको बस कैम करना है, किल मैं निकाल दूंगा टीम के लिए बस। स्काउट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इससे पहले आप किसी और टीम में थे, बट आपकी और दलजीत की सिनर्जी बहुत टाइम पहले से बनकर बैठी हुई है, तो उन सब चीजों को वापस से जब आपने उठाया और यहाँ पर आप ऑरेंज रॉक में हैं, तो क्या आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं टीम गेम प्ले में, सिनर्जीज में, या फिर आपके लिए एक अच्छे तरीके से सिनर्जी बैठी है? डिफरेंसेस तो हाँ बहुत है, जैसे कि स्किल सेट बहुत लोग इंक्रीज है, और दलजीत अब आईजीएल बन चुका, जहाँ पे मैं पहले इसको आईजीएलिंग करता था, अब दलजीत बहुत कुछ नया चीज सीख चुका है, दलजीत बहुत इवॉल्व प्लेयर है, तो हाँ यस, दलजीत की आईजीएलिंग में खेलने में बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने में। तो टीम में जैसे तीन जिनों काफी रिनाउंड, काफी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं, उनके साथ आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो? अब ऐसा है कि अभी तक हमारी सिनर्जी तो बैठी नहीं है, बट चारों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो चारों अपना अपना रोल सही टाइम से निभाते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आती, तो आगे का आगे जाके देखेंगे जब सिनर्जी बैठ जाएगी। मवी, आपकी 1v1 एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, एंड ग्रेनेड्स के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से किल्स निकालते हैं, तो उन सब चीजों की मतलब आप उनके लिए प्रैक्टिसेस किस टाइप से करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस आपकी पर्सनल रहती हैं? ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं करता मैं, बस जो भी नॉर्मल गेम्स होते हैं हमारे, कस्टम गेम या टूर्नामेंट, तो मैं उसको सीरियसली खेलता हूँ, पूरा जितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ देता हूँ, बाकी मारा पीटी का काम है अपना करते रहते हैं, नेट वेट फोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो चलता रहता है बस। यू नो, नई नई टीम्स उभर कर आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे नाम आए, हमने अंडरडॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से इमर्ज होते हुए देखा है, तो उनकी कंपटीशन को आपकी टीम कैसा देखती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को डिफरेंट किसी नजरिए से नहीं देखते, हमारे लिए सब टीम सेम ही है, बाकी जैसे दलजीत हमें कैंप करवाता रहेगा हम करते रहेंगे। तो इसका अगला सवाल आपसे हुआ, जैसे आपने बोला कि आप स्नाइपर का रोल अदा कर रहे हैं, तो स्नाइपिंग करते हो आप, ये रोल आपके लिए नया एक तरीके से, बिकॉज हमने स्काउट का अगर हम नाम ले तो आता है M4 और 6 टाइम्स का स्प्रे जो प्रॉपर एक तरीके से होता है, तो उसके बाद आप स्नाइपर के अंदर आप अपने लिए क्या ट्रेनिंग और क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? बाकी लोग को देखते हुए सीखा हूं, दलजीत स्नाइपर जो था पहले अभी असल्टिंग पर आ चुका है, तो बस वही उसकी जो स्किल्स थी वो उसको देख देख के अपने मैं इमिटेट करने की ट्राई करता हूं, और हाँ अभी काफी अच्छी चल रही है स्नाइपिंग, बस वही अपने से बेटर प्लेयर से सीखो और आगे बढ़ो। तो कोई स्पेसिफिक अंडरडॉग टीम है आपके माइंड में जो आपको लगता है बहुत अच्छी कर रही है, या फिर सारी टीम्स आपको लगता है कि एकदम अलग लेवल का कंपटीशन लेकर जा रही है? लाइक बहुत सारी टीम्स मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, बहुत टीम अंडरडॉग ऊपर आ रही है, तो हम किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते, आजकल अंडरडॉग और प्रो में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका कोई मैसेज आपके फैंस के लिए जो ऑरेंज रॉक की सपोर्ट के लिए रहेगा? गाइस, सो कीप सपोर्टिंग ओआर एंड कीप बिलीविंग इन अस, और हम लोग करते रहेंगे प्रूव, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सपोर्ट रखो, दिल से सपोर्ट रखो, अच्छा वर्क टाइम दोनों में। So yes guys, thank you so much for supporting and keep supporting us. So thank you guys, आपने अपने precious thoughts यहाँ पर रखे, अपने POVs बताए, सारी सारी चीजें यहाँ पर नई हमें जानने को मिली, and hopefully Orange Rock काफी आगे जाते हुए दिखेगी, and आगे वाले tournaments में आप लोग dominate करेंगे। So thank you for giving all the precious time. I wish you all the best for all the future endeavors, and let's go. Let's go. Let's go. Let's go.